हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सर और आज हम आए हैं विवेक सिंह के रूम पे। बहुत दिनों से ये फ़ोन कर रहे थे कि सर आप एक बार आएँ मेरे रूम पे, तो आज हम इनके रूम पे आए हैं। और ये देखिए, अभी ये पढ़ाई में व्यस्त हैं और इनके एक सहपाठी हैं कल्लू दादा। कल्लू दादा जी सर, इधर देखिए, यह हैं कल्लू दादा जो रेलवे ALP का तैयारी करते हैं। कहाँ घर है आपका? जी सर, सिवान जिला घर पड़ेगा, मलमलिया। अच्छा, सिवान जिला घर पड़ेगा। तो आप आपके क्या करते हैं? पापा चाय की दुकान चलाते हैं। अच्छा अच्छा, और आप कितने भाई हैं? दो भाई हैं। घर वालों की तो आप उम्मीद होगी ना? जी सर, उम्मीद तो है। लड़का कुछ करेगा? जी सर। क्या जी, तो क्या आप उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे? जी सर, पक्का पक्का। चलिए, और विवेक सिंह और बताइए, आप कहाँ घर है आपका? जजौली। जजौली, क्या चीज़ का तैयारी करते हैं आप? रेलवे का। रेलवे लोको पायलट का। अच्छा, ITI हो गया आपका फाइनल? चल रहा है सर। अच्छा, चल रहा है ना, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। घर वाले की उम्मीद है आपसे। पापा आप क्या करते हैं? पापा मेरे ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं ना, मन लगा के पढ़िए। आपके आपसे आपके घर वालों की उम्मीद है। तो चलिए, अब हम आपको इनका रूम दिखाते हैं कि रूम की जो सजावट है कैसी है। तो ये है बेड और ये है इनका स्टडी टेबल। यानी कि 10x10 का रूम है और इसी रूम में सब कुछ है। एक बेड नीचे भी लगा हुआ है। दोनों आदमी अलग अलग सोते हैं ना भाई आप लोग? अच्छा, और ये देखिए इधर अलमारी है जिसमें किताब है और कुछ ये तेल है। अच्छा, ये तो मेरा पोस्टर है मैथमेटिक्स सब का। अच्छा, और ये देखिए इधर क्या बन रहा है? ये सर चिकन है। अच्छा, चिकन बना रहे हैं सर। अच्छा, चलिए, तो यही होती है एक विद्यार्थी का जीवन। 10x10 के कमरे में सब कुछ होता है, मतलब कि एक 10x10 के कमरे में एक छोटा सा घर ही होता है समझे तो। इसी में बेडरूम है, इसी में किचन है और इसी रूम में स्टडी भी होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।